नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेते हैं अगर इस वीडियो को, तो हमें उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अच्छा अंक से पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन, जो कि है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूसरा का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। तीसरा प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा, 1 × R² इसका सही हो जाएगा, फोर्थ का सही आंसर बी। पांच नंबर क्वेश्चन है, पांच नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, पांच का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये प्रश्न याद कर लिए, बार बार पूछा जाता है। सात नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत बल्ब जो घर में जलाए जाते हैं उनमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सात नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आठ नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आठ नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाँच प्रिज्मों से घिरा होता है। आठ नंबर क्वेश्चन का सी सही जवाब है। नौवां नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण, क्योंकि ये हमेशा वस्तु के बराबर होता है, इसलिए नौवां का प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है। दस नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे ने की थी चुंबकीय प्रेरण की खोज। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। 12 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत तक। अगर इसमें पूछता, अगर 25 सेंटीमीटर होता, अगर निकट या दृष्टि दोष का अगर बताता तो, पर सामान्य नेत्र ये बोल रहा है तो इसलिए अनंत हो जाएगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन सी मीटर माइनस वन, मीटर माइनस वन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी का। 14 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया CuO+H2O में किसका उपचयन होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, H2 का होता है। 15 नंबर प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो ऑप्शन ए एक होती है, सोडियम की संयोजकता एक होती है। 16 नंबर प्रश्न है, एल्कन का सामान्य सूत्र है, एल्कन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो
ऑप्शन सी 7 के बराबर होता है, इसीलिए 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी पूछा जाए अगर आवर्त तो 7 मारिएगा, पर आवर्त सारणी 18 होते हैं, सारणी 18 आवर्त 7, इसलिए 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का अधातु है और सुचालक होता है। 19 का ऑप्शन बी सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन बी अधातु है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH जो है वो दुर्बल अम्ल है, तो इसलिए 21 प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 19 होती है इसकी परमाणु संख्या, इसीलिए 22 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्न में कौन बायोगैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CH4। CH4 जो है मेथेन, वो मुख्यतः बायोगैस कहलाता है। 24 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl, जो कि साधारण नमक कहलाता है। 24 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कहलाते हैं अभिकारक, इसीलिए 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन सी HE जो है हीलियम, वो शून्य वर्ग का तत्व है। 27 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? इनमें सभी स्वपोषी के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक रहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसीलिए 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत, जो कि सबसे बड़ी मनुष्य की ग्रंथि कहलाती है। 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए। 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जब भी जाइलम पूछे तो ज से जाइलम, ज से जल, इसीलिए जब भी जाइलम के लिए उत्तरदायी पूछे तो वो जल के लिए उत्तरदायी होता है। जब फ्लोएम पूछे तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, और फूड मीन्स भोजन, तो फ्लोएम पूछे तो भोजन के लिए मारिएगा, इसीलिए 30 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? तो ऑप्शन सी विसरण द्वारा होता है। 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? तो 32 का ए हो जाएगा 2, जो कि गिल्स होते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, CO2 और CO, जो कि एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। 34 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एक हार्मोन है जो कि ऑक्सीजन कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, एक नर हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन है, वो नर हार्मोन है जो सिर्फ नरों में पाया जाता है, इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो 36 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सब अलैंगिक है, इसीलिए 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रांकोश में होता है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रांकन होता है, इसलिए प्रांकोस में प्रांकन होता है। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, डीएनए अणुओं में अनुवांशिक गुण का संदेश होता है। 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो 39 का ऑप्शन बी, ग्रेग जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, इसलिए 39 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, पत्तियों में भी नहीं, तना पर भी नहीं, पत्तियों एवं तना दोनों पर, या डी, इनमें से कोई नहीं, तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहीं पर आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगले सैटरडे या संडे को आपको साइंस या सोशल साइंस की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 2023 बिहार बोर्ड 10th में अगर आप अच्छे मार्क्स लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।